आपको लगता है पाकिस्तान में लोग बैठ के पाकिस्तान से बाहर कमा सकते हैं आसानी से कमा सकते हैं कमा रहे हैं लर्निंग आप फ्री कोर्सेज देते हैं तो इसमें आपको क्या फायदा है हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि जो कहते हैं यार हमें उंगली पकड़ो और हमें जो है वो स्पून फिटिंग वाली काम आ जाता है ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको फ्री रखने का मकसद ये कि जो थोड़ा सा भी समझता है जिसको थोड़ी बहुत सेंस है वो उसी से बिजनेस शुरू करे अमेजोन क्या है अमेजोन एक मार्किट प्लेस है मार्किट प्लेस वो होती है जहाँ पर सेलर भी अवेलेबल है बायर भी अवेलेबल मतलब ख़रीदने वाला भी और बेचने वाला अवेलेबल है अमेजोन दोनों को कनेक्ट करता है एक आम जो बेचारा स्ट्रगलर है जो बेचारा राइडर है छोटी मोटी जॉब कर रहा है बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाह रहा है वो कैसे आ सकता है या सिर्फ इन्वेस्टमेंट जिसके पास है वही आ सकता है जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट हो तभी आप ये बिजनेस शुरू करें ठीक है जब मैंने शुरू किया था मैंने इन्वेस्टमेंट ही लेके आया था तालीम याफ़्ता लोग ही आ सकते हैं अमेजोन पे या अंगूठा छाप और वो जो बेचारे देख रहे हैं इधर उधर के क्या करें इसमें ज़्यादा समझ बूझ चाहिए एजुकेशन नहीं चाहिए समझ चाहिए चलता कैसे है करना कैसे है कहाँ से खरीदना है कहाँ बेचना है आपने बताया कि अमेजोन में सब मिलता है क्या रिश्ते भी मिलते हैं असल हजरात मैं हूँ अली ख़रीद लेंगे ये गुलशन नीपा जोन इतना पैसा दे रहा है इन्हें <laughs> उस्मान अख्तर साहब क्या हाल है मैं ठीक यार आपका मुझे पता चला आप तो ई कॉमर्स के एक्सपर्ट निकले जी जी। और माशाल्लाह खुद भी अमीर हो गए और लोगों को भी अमीर करना चाह रहे हैं कोशिश कर रहे हैं जी क्या हाल है सबसे पहले बताएं अपने बारे में जी मैं ठीक कहाँ से हैं क्या बिलोंग करते हैं जी मेरा ताल्लुक वैसे लाहौर से है मेरा मैं हेड ऑफिस हमारी कंपनी का लाहौर है तो मैं लाहौर बैठता हूँ लेकिन अब पूरे पाकिस्तान में हमारे जो इसके हैं। और में भी रजियानी जिन्हें मुल्तानी देखियानी जिन्हें कराची नहीं देखिया मरिया नहीं और जिन्हें पिशावर नहीं देखिया चंगा किता मेरे पठान भाई नाराज ना हो ऐसी मजाक जोक को जोक की तरह लिया करे अच्छा जी ब्रैकले लर्निंग पे आते हैं ये आपका इदारा है और अमेजोन से आप एसोसिएट हैं और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ है। से आप एसोसिएट हैं सबसे पहले ब्रैकले लर्निंग के बारे में बताएं ये कब इसकी बुनियाद डाली कब विजन आया आयान में अगर भाई उसके बारे में ये बताता चलूँ तो पहले मैं ख़ुद से एक ई e कॉमर्स का बिजनेस कर रहा था मतलब मैं पाकिस्तान में भी बेचता था मैं अमेज़ॉन पे भी बेचता था मैं इसके अलावा और मुख्त मुल्कों में भी मैं सेल कर रहा था चीज़ें ना तो वो आपको पता है ना वो शुरू शुरू में फिर वो आ, फैमिली फ्रेंड्स और दूसरे के भाई हमें सिखा दो हमें सिखा दो तो वहाँ से इसकी आगाज़ हुआ तो मैंने कहा भाई इनको लेक्चर वगैरह दिए कि भाई आप कर लो तो उन्होंने कहा नहीं भाई पकड़ के सिखाओ तो फिर मुझे ये आया कि लोग क्योंकि पाकिस्तान में काम करना चाहते हैं लोग लेकिन ना उनको डायरेक्शन नहीं मिल रही थी लोगों को ये पता नहीं चल रहा था भाई कैसे करना है जैसे कहते हैं ना पहला वो रस्सी का सिरा उनको नहीं मिल रहा था कि पहला स्टेप क्या लें तो मैंने ये मिशन लिया कि यार पहले स्टेप पे चढ़ाना है इनको मतलब जो एक आम बंदा एक आम इंसान जो ये ई कॉमर्स का बिजनेस सोचता है और वो करना चाहता है तो उसको पहली सीढ़ी चढ़ाना ये मैंने मकसद लिया और इस फील्ड में उतर आया तो हमें आम बंदे को सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ ई कॉमर्स के बारे में भी बताएं ई कॉमर्स क्या बला है और अमेजॉन को थोड़ा सा खोलें उसके बाद फिर हम अपनी बॉल टू बॉल कॉमेंट्री शुरू करेंगे अमेजॉन क्या है अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है ठीक है मार्केट प्लेस वो होती है जहां पर सेलर भी अवेलेबल है बायर भी अवेलेबल मतलब खरीदने वाला भी और बेचने वाला अवेलेबल है अमेजॉन दोनों को कनेक्ट करता है सेलर अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स वहाँ पर लगा देता है और जो ख़रीदने वाला है वहाँ जाता है और चीज़ को ख़रीद बिल्कुल ठीक है।, है अब ये इंपॉर्टेंट का हामिल क्यों है म, बात यहाँ पे आती है कि ठीक है वो सेल परचेज तो कर रहे हैं अमेजोन करता रहे पाकिस्तान का वहाँ क्या रोल है पाकिस्तानी बंदा हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं हम किस तरीके से जो है वो अपनी आवाम को ये कहें कि भाई आप ई कॉमर्स e का बिजनेस है अमेजोन एक पार्ट है कैसे करें बात यहाँ पर आती है कि अमेजोन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है ठीक है हो गया चलो दुनिया की नंबर प्लेस हो अब हमें क्या वहाँ क्या फायदा है हमें यहाँ फायदा ये है कि हम एज ए पाकिस्तानी वहां पर रजिस्टर हो सकते हैं अपना अकाउंट खोल सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं जब शुरू करने की बात आएगी फिर आगे इन डेप्थ में हम देख लेंगे जी क्या बेचना है क्या करना है लेकिन अब पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि एक आम शहरी के पास अपॉर्चुनिटी है कि भाई वो अमेजोन 20 से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है उन कंट्री में अमेजोन कहता है जी आओ और यहाँ पर सेल जो है ना वो ऑफिशियली ऑफिशियली पाकिस्तान में नहीं है पाकिस्तान में पाकिस्तान उसका वेयर हाउस नहीं है उसके डिफरेंट कंट्रीज में वेयर हाउसेज हैं लेकिन वो बीस से ज्यादा कंट्रीज में अवेलेबल है इसमें नुकसान क्या है पाकिस्तान में जो नहीं है पाकिस्तान में अभी उस तरीके से मार्केट इतनी ग्रो नहीं की मतलब इतनी अवेयरनेस और वो चीज़ें अभी नहीं हैं जिस वजह से वो अपना वेयर हाउस पाकिस्तान में नहीं लेके आए ठीक है तो वो भी इन फ्यूचर आएगा लेकिन फिलहाल हमारे पास अपॉर्चुनिटी है भाई यूएई में काम शुरू कर लो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है अमेरिका में कर लो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है नीदरलैंड में कर लो जर्मनी में कर लो फ्रांस में कर लो स्पेन में कर लो वो कंट्री हमारे लिए अमेजोन अनलॉक कर रहा है Hmm. कि भाई मैंने काम करना है मैंने ई e कॉमर्स का बिजनेस करना है मैं चाहता हूँ कि मैं ये बिज़नेस शुरू करूँ तो वो सारे कंट्री जहाँ अमेजोन अवेलेबल है अमेजन कहते हैं अभी आओ और मेरे प्लेटफॉर्म को यूज़ करो यहाँ बिजनेस करो hmm. ये उसका उसकी अहमियत है जो कि एक अगर हमें समझ आए तो वो बहुत ज़्यादा हम जो है ई e कॉमर्स के थ्रू अमेजोन के थ्रू अर्निंग पाकिस्तान लेके आ सकते हैं बहुत आसानी से बताइएगा एक आम आदमी को भी समझ में आए मैट्रिक पास को भी समझ में आए ये बात कि एक आम जो बेचारा स्ट्रगलर है जो बेचारा राइडर है किसी कंपनी में या छोटी मोटी जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाह रहा है वो कैसे आ सकता है ना उसके पास इन्वेस्टमेंट है ना कोई सिलसिला है वो कैसे आ सकता है या सिर्फ इन्वेस्टमेंट जिसके पास है वही आ सकता है नहीं पैसा नहीं है अब इसमें इन्वेस्टमेंट का जरूरी नहीं कि इन्वेस्टमेंट हो तभी आप ये बिजनेस शुरू करें ठीक है जब मैंने शुरू किया था मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आया था मैं आपको एक और बात बताता चलूँ जब मैंने अपने इस बिजनेस बिजनेस का आगाज़ किया शुरू किया ई कॉमर्स की फील्ड में आया तो मैंने घर से पैसे नहीं लिए ऐसा हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड नहीं किया था नहीं फे? फे? घर से नहीं लिए लिएता हूँ आप हमेशा मेरी जो आम बंदे के लिए एक जो तजवीज़ है या जो मशवरा है वो ये है कि आप लोग अपने पैसे से पॉकेट मनी से बिज़नेस शुरू करें देखें जैसे आपने आपने जो है वो एक लोएस्ट लो एक लेवल शुरू किया ठीक है ठीक है, है स्क्रैच से शुरू करना बहुत जरूरी है हमारे यहाँ शॉर्टकट की बात की जाती है कि बड़ी जल्दी हम शॉर्टकट लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे वो किसी हद तक काम नहीं करते अब मैं आपको ये बताता चलूं कि जब हम लोग कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको लोएस्ट लेवल से उसको टेस्ट करें पहले ये बिजनेस मॉडल ऐसा है ई कॉमर्स का कि इस बिजनेस मॉडल को बड़ी थोड़ी सी अमाउंट से टेस्ट किया जा सकता है कैसे बताइए ना अब इसके अंदर जो मेरी कंपनी ज़्यादा प्रमोट करती है वो करती है री को कि आप आइटम को री करो फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइटम जो ऑलरेडी बिक रही है अमेजोन पे उसी को रीसेल करो मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइटम एक शैम्पू बिक रहा है वहाँ पर डॉग फूड सेल हो रही है कैट फूड सेल हो रही है कोई टिशू सेल हो रहा है कोई छुरियाँ सेल हो रही हैं बेतहाशा आइटम्स हैं जो अमेज़ॉन के ऊपर लिस्टेड है अमेजोन के ऊपर इसमें साढ़े तीन सौ मिलियन प्लस आइटम्स अवेलेबल हैं साढ़े तीन सौ मिलियन यस उ अब वो आइटम्स अब अवेलेबल हैं अब हम उसमें से देखेंगे कि भाई कौन सी आइटम हमने सेल करनी है हम वही आइटम सेल करेंगे जिसकी ऑलरेडी इस्टेबलिश सेल हिस्ट्री है हम उसी को सेल करेंगे अपने मार्जिन के ऊपर फॉर एग्जांपल मैं मैं देखता हूँ यार मुझे 10 परसेंट मार्जिन पे मुझे खेलना है 20 पे खेलना है तो मैं 10 परसेंट मार्जिन वाली आइटम देखूंगा और उसको लिस्ट कर दूंगा ऑर्डर आएगा खरीद के भेज दूंगा अब इस मॉडल नहीं समझाइएगा मुझे कि जो ऑर्डर है वो वहीं से खरीद के वहीं बेचना है वहीं बेचना है मसलन एक छुरी है आ, वो वहाँ पे मिसाल के तौर पे दो डॉलर की है यस yes. ठीक है yes. वो मैंने खरीद ली और मैंने चार डॉलर की लगा दी यस yes. ये क्या ये पता हाँ, ये समझाता हूँ ऐसे ही, ही, ही है होता क्या है हम देखते हैं कि ये आइटम हम आइटम अमेजोन पर जैसे मैंने बताया कि साढ़े तीन सौ मिलियन से ज़्यादा आइटम्स हैं हमने देखा कि यार ये वाली आइटम है इसकी सेल अच्छी है इसकी इसका इसका हमें ग्राफ बता रहा है कि बड़ी अच्छी सेल ही होती रही है और ये इसकी प्राइस रेंज ही है फॉर एग्जांपल वो दस डॉलर की जो है वो बिकती है मुझे वो छः डॉलर की मिल रही है चार डॉलर की मिल रही है मैं उसको ख़रीदूंगा यू एस ख़रीदूंगा खरीदूँगा और वहीं पर उसको सेल कर दूँगा अपने कस्टमर को एट टेन डॉलर तो होगा क्या कि मैं एक टाइप की वन ऑफ़ टाइप ऑफ ट्रेडिंग कर रहा हूँ अपना बिज़नेस ट्रेडिंग बिजनेस शुरू कर रहा हूँ यू के अंदर और वो रियल में सेल परचेज जो है वो हो रही है और इन यूएसए या कनाडा या जहाँ पे भी हम एक कंट्री टारगेट करते हैं वहाँ पर हम इसको शुरू कर लेते हैं अच्छा ये ब्रैकले लर्निंग आप फ्री कोर्सेज देते हैं जी तो मतलब आप ये फ्री जो फी सभी कोर्स करा रहे हैं तो इसमें आपको क्या फ़ायदा अब इसके ऊपर जो हमारा जो मेन होता है ना फोकस ये होता है कि हम लोग उनको फ्री कोर्स कराते हैं उसमें बहुत सारे लोगों को इनेबल करते हैं कि अपना बिजनेस शुरू करें देन हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो कि जो कहते हैं यार हमें उंगली पकड़ो और हमें जो है वो स्पून फीडिंग वाली काम आ जाता है वी वी अ इनकोबेटर्स इन ऑल ओवर पाकिस्तान उनको फिर हम इन्वाइट करते हैं कि भई आप इंकोबेटर्स हमारी ड्रॉपशिप लैब या ब्रैकले लैब को ज्वाइन करो और उसको जो है वो आप वहाँ से मतलब उधर से आप जो है ना वो इनको हो अंदर डर जो ब्रैकले के ट्रेनर्स हैं उधर से जो है वो आप आ, अपना जर्नी शुरू करो लेकिन ये अब इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको फ्री रखने का मकसद ये कि जो थोड़ा सा भी समझता है जिसको थोड़ी बहुत सेंस है वो उसी से बिज़नेस शुरू करें मेरा मेन कोशिश ये होती है कि भाई आपने बिज़नेस शुरू करना है उसी को देखो फ्री कोर्सेज देखो सीरीज देखो यूट्यूब पर जाओ आपको एनअ नॉलेज अवेलेबल है hmm. मेरा मेन मकसद है कि आपको एक एक पहला जो है एक स्टेप देना एक पहली बॉल कराना देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जैसे हमारी पहले पहले अमेजोन की ट्रेनिंग थी बहुत जगह पता चला लोगों ने अमेजोन का वो एक फिनोमिना समझा कि अमेजोन कैसे काम करता है स्टूडेंट्स ने उसी फिनोमिना को शॉपीफाई पे इम्पलीमेंट कर दिया hmm. और शॉपीफाई का मेरा कोर्स ही नहीं है और शॉपिफाई पे वो सक्सेसफुल हो गए तो मेरा मेन मकसद है कि पहला एक नॉलेज देना और पहला उनको पर्सपेक्टिव देना समझाना यार फिनना काम कैसे करता है ई कॉमर्स e काम कैसे कर सकते हैं आप अमेजोन इज जस्ट वन थिंग हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं अमेजोन के अलावा हैं अमेजोन के अलावा क्या क्या ऑप्शन है अगर कोई और ऑप्शन अमेजॉन के अलावा जो मार्केट प्लेसिस की बात करें तो पाकिस्तान में दराज है दराज हो गया ठीक है अगर यूएसए की बात करें तो वहां पर एक फेमस मार्केट है अमेजोन के अलावा वो है वालमार्ट वालमार्ट के अलावा बात करें तो न्यू एग एक मार्केट प्लेस है ई बे है एक ठीक है ई बे भी ग्लोबल है इबे, इबे सुना है। हुआ भी होगा आपने उसके अलावा एटसे एक मार्केट प्लेस है यूके में आ जाए तो एक ऑन बाय है फ्रांस में आ जाए तो सी डिस्काउंट है अली बाबा भी है अली बाबा है अली बाबा एक काइंड ऑफ बी टू बी बिजनेस जिसमें आपको बिजनेस कस्टमर चाहिए हम टारगेट कर रहे हैं कंज्यूमर को समझ रहे अच्छा जो कि एक 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 आइटम खरीदने आया सही है अली बाबा पे वो कहता है जी मुझे हजार में में सही बल्क है। में। तो वो फिर उसमें आ जाएगा फ्रांस में सी डिस्काउंट आ जाता है ऑस्ट्रेलिया में कैच है तो इस तरह की डिफरेंट हर हर नेशन की मार्केट है कि वहां पर हम जो है वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर लें क्या आपको लगता है पाकिस्तान में लोग बैठ के पाकिस्तान से बाहर कमा सकते हैं आसानी से कमा सकते हैं कमा रहे हैं मसलन क्या कितना पैसा आपको लगता है अप्रॉक्सीमेटली एक आम आदमी कमा सकता है अगर वो मेहनत करे जितना आप कमा रहे हैं उतना कमा लेगा <laughs> तो फिर इसका मतलब कुछ भी कमा सकता। <laughs> नहीं <laughs> कितना है ज़रा मोटिवेशन के लिए बताएं ना कि क्या फिगर्स मैं देता नहीं हूँ उसकी वजह है कि आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर और मैं मोटिवेट लेकिन मैं आपको एक फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करते हैं होता क्या है कि पाकिस्तान में हमारी कोशिश ये है कि आम बंदा जो चाहता है यार मैंने जो है ना वो फॉर एग्जांपल पचास हज़ार रुपये की नौकरी पे जाना है तीस हज़ार रुपये की नौकरी पे जाना है तो उससे बेहतर है ये बिज़नेस कर लिया है उसकी मेन वजह क्या है कि आप ये देखिएगा कि जो इनकम जिनकी फॉरेन करेंसी में है फ़ॉर करेंसी में जो कमा है उसकी जो uh, उस व, वो ज़्यादा खुशहाल है जो फॉरेन करेंसी में जिसके डॉलर्स में इनकम है यूरो तो बहुत अच्छा बढ़ जाता है, है। बन तो इस बिजनेस के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दस हजार डॉलर पंद्रह हजार डॉलर भी कमा लेते हैं बहुत सारे ऐसे हैं जो पचास डॉलर कमाते हैं सौ अच्छा। डॉलर कमाते हैं तो इसमें लिमिट नहीं है ये मंथली आप बता रहे हैं मंथली मंथली डॉलर तो तो यस इट इज़ अमाउंट इसको टारगेट आप जो है वो इस तरीके से नहीं कर सकते लेकिन ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो पंद्रह हजार डॉलर कमा रहा है उसकी स्ट्रेटजीज भी पंद्रह हजार डॉलर वाली हैं अगर कोई सौ डॉलर कमा रहा है तो उसकी स्ट्रेटजी भी सौ डॉलर वाली है सही है लेकिन ये कि हम लोग एक आम बंदा जो एक आम जो हमें सुन रहा है वो ये अंडरस्टैंड कर ले कि उसमें जितनी कैपेसिटी है जितना वो कमाना चाहता है वो इस फील्ड से कमा सकता है पाकिस्तान का सालाना जो बजट है वो छियालीस बिलियन और हमें अमेजोन का जब पता चला तो हम शर्मा गए और नज़रें नीची हो गई मतलब वो आप कंफर्म कीजिएगा कोई 300 बिलियन के करीब थ्री सिक्सटी सेवन बिलियंस की फिगर्स है आती हैं तो उसमें देखें आप ये देखें मज़दे खातिन हज़रा पाकिस्तान एक कंट्री है और एक वेबसाइट देखें कहाँ पे अमेजोन कितने बिलियन एक, एक और एक और एक और न्यूज़ लूँ आपको इसके अलावा हम अपने हमसाए की बात करते हैं हाँ इंडिया हाँ ठीक है गुथम गुथा हो रहे होते हैं हर वक्त उसकी आई टी एक्सपोर्ट्स वन फोर्टी नाइन बिलियन है और पाकिस्तान की कितनी एक एक बिलियन मतलब मुकाबला तो है ही नहीं ना तो अब तो है नहीं, नहीं। हम पता है क्या है उस्मान साहब हम वाघा बॉर्डर पे जो पैर ज़्यादा लंबा उठा लेता है ना हम तालियां बजा के खुश होने वाली खौफ है कि देखो हमारे फ़ौजी ने पैर ज़्यादा लंबा उठा लिया हमारे फ़ौजी ने हूल ज़्यादा दे दी है तो यार हम तो इसी चीज़ों में लगे हुए दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है टेक्नोलॉजी का दौर है और बस वही बात है कि बहुत पीछे हो गए ऑब्वियसली ऐसे ही है अब हमें उसमें करना ये है देखें एक वर्ड आता है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ठीक है इकनॉमिक डिप्लोमेसी के तहत अब हमारी हुकूमतें मैं आपको ये बता रहा हूँ आज हमारी हुकूमतें हमारी यूनिवर्सिटीज़ अब ये सब लोग रियलाइज़ कर चुके हैं कि हमें अपनी यूथ को स्टार्टअप्स की तरफ लेके आना है हमने अपनी यूथ को फॉरेन करेंसी में इनकम कराने की तरफ लेके आना है सही जिसे फ्री लांसिंग को भी कहा जा रहा है उसकी वजह यह है कि हमारे पास इतनी ज़मीन है सही है हम उतनी ज़मीन पर काश्तकारी करते हैं हम एक्सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट्स नहीं कर पाते नहीं कर पाते ठीक है हमारी इतनी एक्सपोर्ट्स नहीं है अब हमें ये रियलाइज कर रहा है कि जो यूथ हमारी पाकिस्तान में बैठी हुई है हम इनको जो है वो यूज़ करें और इनको फ्री की तरफ इनको अमेजोन की तरफ ई कॉमर्स की तरफ करके प्रोडक्ट बनाए और दुनिया में सेल करें नहीं मतलब वो काश्तकारी जो हो रही है वही होगी फिर इनको लिया जाए इनको यूज़ किया जाए कि वो पाकिस्तान में डॉलर्स लेके आए अच्छा 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 जब पाकिस्तान में डॉलर आएंगे हम लोग एक आ, जो है वो पाकिस्तान जैसे अब हम लोग अपने जो बाहर नेशनल्स हैं हमारे फॉरन नेशनल उनको कहते हैं कि यार हमें रेमिटेंसिस भेज दो हमारी रेमिटेंसिस पे हमारे खर्चे चल रहे हैं पाकिस्तान के तो अगर हम इन तमाम लोगों को हम जो है वो इसकी तरफ डाइवर्ट करें कि ये तमाम लोग पाकिस्तान में इनकम बाहर से लेके कर आएँ ठीक है कमाए सौ कोई सौ डॉलर कमाए कोई हज़ार कमाए कोई दो हज़ार कमाए अगर फॉर एग्जाम्पल सौ डॉलर भी कमाए और हम दस मिलियन को अगर हम टारगेट करें रहे हैं तो कहाँ में उठ जाती है ठीक है हमें ज़्यादा टारगेट नहीं करना लेकिन हमें ज़्यादा पॉपुलेशन को टारगेट करना है ऑलरेडी उसके लिए ऑलरेडी हो रहा है जब हमने स्टार्ट किया था जब मैंने स्टार्ट किया जब मैंने इस बिज़नेस को स्टार्ट किया तब ऑनलाइन बिज़नेस को एक फ्रॉड के नाम से लिखा जाता अच्छा, था प्यारे फ्रॉड है ऑनलाइन कर है? रहे हो ये 2010, 12, 11, 12, ग्यारह तेरह की बात है तब इसको कहते थे कि यार तुम ऑनलाइन ऐसा बस कुछ भी नहीं है अब आहिस्ा आहिस्ा क्या हुआ कि अब यूनिवर्सिटीज़ गवर्नमेंट्स अब इसको देख रही हैं कि नहीं टेकिंग सीरियस ना तो अब जो लोग इस चीज़ में थोड़े से लेट हैं यस लेट हैं ऑब्वियसली लेट हैं तो अगर हम थोड़ा सा उसको अभी भी अडॉप्ट कर लें समझ जाएं ठीक है तो शायद हम हमारी फ्यूचर में जो जो हमारी जनरेशन है स्लो स्लो है है हम बहुत <laughs> मतलब साबुन पे भी थैली चढ़ा के नहा रहे हैं मतलब तो जल्दी ख़त्म ना हो जाए साबुन से तो लेना ना पड़ जाए तो देखिए यार आप यकीन करें उस्मान साहब इतनी एहसास कमतरी होती है हम दुनिया में कहीं भी ट्रैवल करते हैं हम बहुत पीछे अपने आप को पाते हैं ही है। और जो दुनिया है वो बहुत आगे चली गई है इवन जैसे आपने पड़ोसी मुल्क का ही बताया इंडिया उनकी आईटी टी कहाँ है उनकी ए, कितने एक्सपोर्ट कहाँ पहुँच गई है अच्छा उस्मान साहब सिर्फ क्या तालीम याफ़्ता लोग ही आ सकते हैं अमेजोन पे या अंगूठा छाप और वो जो बेचारे देख रहे हैं इधर उधर के क्या करें तेज होते हैं देखें hmm. तालीम का ताल्लुक आपकी अकल से नहीं है मैं ये समझता हूँ मैंने बड़े बड़े अनपढ़ लोगों को बड़ा काबिल देखा है शौर वाला देखा है तो वो लोग क्या करें वो लोग मतलब पीछे रहे हैं या तालीम याफ्ता ही आगे आगे रहे नहीं ऐसा नहीं है क्या हम, हम अपनी डेली रूटीन में अगर देखें आप भी देखते होंगे डिफरेंट लोगों से मिलते हैं तो मैंने ये देखा है कि जो तलीम याफ़्त नहीं भी हैं तलीम का कोई कामयाबी से तो ताल्लुक़ नहीं है बेशक, ये तो आ, प्रूवन एक बात हो चुकी है तो अब वो जो लोग हैं जो तलीम याफ़्त नहीं भी हैं तो वो लोग भी इस बिज़नेस में आ सकते हैं अगर उनको बेसिक इंग्लिश पढ़ना आती है क्योंकि सारी वेबसाइट्स इंग्लिश में होती हैं और उनको समझ बूझ है इस बिज़नेस इसमें ज़्यादा समझ बूझ चाहिए एजुकेशन नहीं चाहिए समझ वो चाहिए चलता कैसे है करना कैसे है कहाँ से खरीदना है कहाँ बेचना है चाहिए टिकटॉक वगैरह भी इंग्लिश में और वो दूसरी इधर उधर की ऐपों में जो तूफान बदतमीजी कर रही है वहाँ वो भी है तो इंग्लिश में वो समझ लेती है तो ये भी समझना चाहिए समझना चाहिए ये फ्यूचर है भाई समझना चाहिए और ये कर सकते हैं तो मेरे नज़दीक जो है जो हम टाइम ज़ाया कर रही है जितनी लोग टाइम ज़ाया कर रहे हैं इनको चाहिए कि अपनी स्किल इन्हांसमेंट के ऊपर काम करें पर्सनल कैपेसिटी के ऊपर काम करें ठीक है हम ये अमेजोन एक चीज है मतलब अगर हम अमेजोन की बात कर रहे हैं इस वक्त तो अमेजोन इज़ वन थिंग इसके अलावा जब हमें टिकटॉक की बात की आपको पता है टिकटॉक से पैसा कमाया जाता है ठीक है हम टिकट से भी पैसा कमा सकते हैं क्योंकि टिकटॉक अब मार्केट प्लेस टिकट ने लॉन्च कर दी है जो कि अभी यूके में लॉन्च होगी और दूसरे कंट्री पाकिस्तान में भी हो जाएगी फेसबुक के ऊपर मार्केटाइजेशन नो मार्केट प्लेस

अब अगर आप जेनवन को बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो वो ई e कॉमर्स है ई e कॉमर्स के थ्रू हम आएंगे और जेनुन एक बिजनेस सेलिंग का बिजनेस शुरू कर लेते हैं बहुत सारे लोग आप देखते हैं कि वो फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं आप फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे हो लेकिन फेसबुक पे एक एडवर्टाइजिंग आती है कि ये जी ये शर्ट बहुत अच्छी है ये आप खरीद लें आप वो खरीद लेते हैं वो उसे पैसे कमा रहा है फेसबुक को पैसे भी पे कर रहा है लेकिन आप उसकी ट्रैफिक हो अब हमें ये देखना है कि यार इससे हमने पैसे कैसे कमाने ठीक है अब जब ये फिनोमेना आता है तो थोड़ा सा अगर मैं टेक्निकली बात बताऊं तो एक बंदा पाकिस्तान में रहता है पाकिस्तान में रह रहा है और वो बिज़नेस करना चाहता है ई कॉमर्स का बिज़नेस करना चाहता है या ऑनलाइन सेलिंग का बिजनेस करना चाहता है पाकिस्तान में बैठ के अफ्रीका एशिया गल्फ तमाम कंट्रीज़ में बिज़नेस शुरू हो सकता बिल्कुल है बिल्कुल हो सकता है ठीक है मैं मतलब हमारी कंपनी यहाँ बैठकर नेपाल में बिज़नेस कर, कर रही है यहाँ बैठकर बांग्लादेश में कर रही है मैंने कभी नेपाल विजिट नहीं किया मैंने कभी बांग्लादेश विजिट नहीं किया क्या है कि ऑनलाइन चाइना से कभी चीज़ मंगवा ली कभी पाकिस्तान में कोई चीज़ मैनुफेक्चर करवा ली कभी यू से सोर्स कर ली और वहाँ भेजी देखा कि नेपाल में ज़्यादा चीज़ कौन सी बिक रही है देखा बांग्लादेश में ज़्यादा अच्छी चीज़ कौन सी बिक रही है तो क्रॉस बॉर्डर आप बिज़नेस कर सकते हैं देखा जॉर्डन में कौन सी चीज़ बिक रही है क्या चीज़ की वहां ट्रेंड क्या चीज़ का है वहां कल्चर किस चीज़ का है ज़्यादा आपकी मार्केट कहाँ है ज़्यादा तो हम अब हम अमेजॉन पे करते हैं लेकिन हम लोग जो हमारी मेन कंपनी है जो अमेजोन एमा, के साथ हम कर रहे हैं हम तकरीबन सत्रह प्लस कंट्रीज में जो है वो चीज़ें बेचते हैं सही है अमेजोन के अलावा अमेजान उसमें शामिल क्योंकि अमेजॉन वहां पर है ही नहीं तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम लोग हम जैसे लोग पाकिस्तान में बैठकर ये कर रहे हैं तो एक सुनने वाला भी कर सकता है अब इसमें सबसे रेलिवेंट सवाल ये बनता है उस्मान साहब कि आपका जो कोर्स है वो कैसे बंदा ले या आप लोगों से कैसे रब्ता करे क्या सिलसिला है ऑनलाइन या आप सिखा रहे हैं या फिजिकली बुला के सिखा रहे हैं अपने इदारे पे क्या सिलसिला देखें उसमें ये है कि हमारी जो कोशिश होती है कि एक बंदा जिसने फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट भी करना है तो वो हमारी जो बेल सीरीज़ है जिसे हम फ्री कोर्स कहते हैं उधर से स्टार्ट करें वहाँ से समझे ये है क्या हर बिजनेस हर बंदे के लिए नहीं है हर बंदा नादर अली नहीं बन सकता ठीक है इसी तरीके से हर बंदा जो है वो ये बिजनेस करे पहले समझे इसका पूरा फिनमिना पूरा देखे कि मैं कैसे इसको स्टार्ट कर सकता हूँ देन उसके बाद हमारे पास है अगर उसको वो स्टार्ट कर रहा है उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है फ्री में हमसे हेल्प ले ले तो वो कैसे आपसे रबता कर सकते उसके लिए हमारा फेसबुक ग्रुप है अच्छा अब मैं एक बात बताता चलूँ यहाँ पर मैं ये देखता हूँ अक्सर कहता भी हूँ कि हम लोग एवरेज हैं अपने इर्द गिर्द पाँच लोगों का हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हमारी अर्निंग हमारा जो है वो पांच लोगों की एवरेज से हम मिलते जुलते हैं फॉर एग्जांपल जो फेसबुक का सीईओ किसको मिलता होगा आप अगर देखें तो एलॉन मस्क की क्या कम्युनिटी होगी तो ये तो एक ब्रॉडर टर्म में बात आ गई मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो लोग ये करना चाहते हैं कम्यूनिटी चेंज करें कि उस कम्युनिटी में आए जो ये काम कर रहे हैं आ, आ, उस कम्युनिटी ये एग्जैक्टली तो हमें क्या करना है कि कम्युनिटी पे फोकस करना है जब कम्युनिटी पे हम फोकस करने की बात करते हैं तो अब हम अपने यार दोस्त को तो साइड पे नहीं कर सकते ना वो तो हमारे दोस्त हैं तो अब हमें क्या करना है कि हमें अपने विचुअल अप, अपने आप को चेंज करना है वर्चुअल का मतलब कि हमें वर्चुअली देखना है कि हम अपनी कम्युनिटी फॉर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें इंस्टाग्राम पेजेस ज्वाइन कर लें यूट्यूब उन लोगों का ज्वाइन करें जो हमारे मतलब हमारे मुताबिक बात कर रहे हैं अच्छा अमेजोन में उस्मान साहब लड़कों का ज़्यादा रुझान है या लड़कियों का क्या देख रहे हैं आप ज़्यादातर कौन सीरियस ले रहा है या फ्लो ज़्यादा किसका लड़का या लड़की देखें या लेडी बॉय <laughs> <laughs> वो भी तो है नहीं में नशीब में पाचाऊंगी घी में डॉट कॉम <laughs> <laughs> इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा अगर इसके बारे में जो मेरा एनालिसिस है कि लड़कियों की तादाद कम है जो आने में हाँ। लेकिन लड़कियों के अंदर जो जिसे कह लें कि ज़्यादा कॉन्फिडेंट या ज़्यादा कंसिस्टेंट लड़कियाँ मैंने देखी कंसिस्टेंट लड़कियाँ ही हैं जाहिर है ठीक है, है।, है हम याद करते हैं अपने स्कूल के टाइम में हम सीगरेट से पास होते थे तो हम ट्रीटे दे रहे होते थे और देखते थे यार ये लड़की ये जरूरी है हाँ�

नए आने वाले बच्चे जेंगस्टर्स हैं उनके अंदर एक ही चीज़ मुझे मिसिंग लगती है वो मुझसे आके बोलते हैं यार हम फला चीज़ कर रहे हैं हम फला चीज़ कर रहे हैं हो नहीं रही ज़्यादातर यूट्यूब के हवाले से आती हैं क्यूरीज कि यार हम YouTube पे वीडियोस बना रहे हैं हमें रिस्पांस नहीं आ रहा तो मैं पहला सवाल उनसे पूछता हूँ कितना टाइम हो गया यार वो यार लास्ट आपने कब अपलोड की थी तीन महीने की थी पहले तो आप खुद कंसिस्टेंट नहीं एक्जैक्टली तो ये तो पहली चीज़ है कि लड़कियां हैं और लेकिन पेश ज्यादा लड़कों का मतलब लड़के ज्यादा आते हैं क्योंकि वो ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड हैं लेकिन जो लड़कियां हैं वो कंसिस्टेंट ज्यादा हैं जब एक कंसिस्टेंट है तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाती हैं मतलब कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर दिया आपने बताया कि अमेजोन में सब मिलता है क्या रिश्ते भी मिलते हैं <laughs> कोई अच्छा रिश्ता अगर चाहिए मतलब मुझे चाहिए या किसी को भी चाहिए तो अमेजोन देगा नहीं अमेजॉन पर यह सूनत मौजूद नहीं है ये नहीं है आ चीज़ मतलब मेन चीज़ नहीं है यार ये चीज़ नहीं है Amazon ये चीज़ नहीं है लेकिन पैसे मिल जाएंगे पैसों से रिश्ता आ जाएगा लेकिन वहाँ पे कम्युनिकेशन और किसी तरीके से एक दूसरे से आपका रहा हो गया और हो सकता है अफेयर हो गया चल गया और वहीं से अमेजोन से शादी हो गई ऐसा भी हो सकता है ना नहीं ऐसा भी नहीं है उसकी वजह है कि अमेज़ोन ख़ुद ऑपरेट करता है आप जाते हो जाके अपनी प्रोडक्ट लगाते हो या कोई कस्टमर आपसे ख़रीदता है तो वो दरमियान में अमेजान उसको देख रहा होता है कि भईया बात क्या कर रहे हो आपस में फ़ोन एक्स्ट्रा तो नहीं कर रहे उसको वो सारी चीज़ें कंट्रोल करता है देखिए हर चीज़ में कोई ना कोई नुकसान होने का खतरा होता जी इसमें कोई खतरा है क्या इसमें नुकसान होने का जितने भी डिजिटल बिज़नेस है ना जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक के ऊपर आपने कोई बिज़नेस शुरू किया आपने अमेजोन पे किया आपने वॉलार्ट पे किया इनके सर्टन अलॉग्रिथम होते हैं मतलब ये उसको फॉर एग्जांपल आप अभी जाएं फेसबुक के ऊपर आप अनयूजुअल लाइक्स करना शुरू कर दें बहुत ज़्यादा लाइक्स करें तो आपको फेसबुक बैन कर देगा अच्छा ठीक है टेम्परेली आपको ब्लॉक कर देगा उसको देखे ये रिपोर्ट तो नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं हमारे सिस्टम को अब तो नहीं कर रहा अच्छा ये चीज़ मुझे आज पहली दफ़ा पता चली कि बहुत ज़्यादा आपकी मूवमेंट और लाइकिंग यस अनयूजुअल एक्टिविटी आपने न्यू आईडी बनाए न्यू आईडी बना के आप अनयूजुअल एक्टिविटी करें अनयूजुअल मतलब कि एक यूजुअल नहीं है एक आम नहीं है गैर जिसे कहते हैं कि वो एक्टिविटी करें तो उसके अंदर क्या होता है कि फेसबुक आपको टेम्परेली होल्ड कर लेता है अच्छा, वेरीफाई करता है आपकी आइडेंटिटी को कि आप रियल अच्छा अगर मार्ग जो ज़िक्रबर्ग है इनकी आई डी गाली अगर दे दें दे, तो बैन कर देगा नहीं वो उनको हम 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 सिर्फ गाली दे सकते हैं यार मैं मजाक ही कर रहा हूँ <laughs> लेकिन ये कोई बैड कमेंट्स मैंने सुना है उस पर भी कोई फेसबुक कोई सख्ती तो नहीं सख्ती होती है कि उस दफ़ा बंद कर देता है वो लेकिन हमें उसकी तरफ नहीं जाना हमें पॉजिटिव रहना है देखना है कि पैसे कैसे कमाए नहीं ना 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 नहीं बेशक बेशक ये आज की पॉडकास्ट का देखे मौजूद खातनों हजरात आज की पॉडकास्ट का मकसद यही है क्योंकि इस सीट पे पाकिस्तान के तमाम सेलिब्रिटीज स्पोर्ट्समैन और पॉलिटिशियन इस्लामिक स्कॉलर्स और मोटिवेशनल स्पीकर सब बैठे हैं नहीं बैठा तो इस तरीके का कोई प्रोडक्ट नहीं बैठा जैसे उस्मान साहब बैठे हैं आज आके और वो अवेयरनेस दे रहे हैं कि यार आप किस तरीक़े से हम कुछ कर सकते हैं अपनी कॉम के लिए पाकिस्तान में क्या फ्यूचर देख रहे हैं अमेजोन का पाकिस्तान में फ्यूचर देखें तो वो बहुत ब्राइट है उसकी वजह ये मैंने जैसे पहले बताया था कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा इसको एक्नॉलेज कर रही हैं यूनिवर्सिटीज़ इवन कि पढ़ाना शुरू कर दिए कि अमेजान पर काम कैसे करना है बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं लेकिन अभी आ रहे हैं ट्रेंड बन रहा है ठीक है तो फ्यूचर इसमें देखते हैं तो पाकिस्तान में जो डिजिटल स्किल्स का जो फ्यूचर है वो बहुत ब्राइट है कि पाकिस्तान ऑलरेडी अमेजोन पर तीसरे नंबर पर वो सेलर है वो लोग हैं जिनके अकाउंट अमेजान के ऊपर है ठीक है अमेजोन पे ऐसा नहीं है कि अभी होना है स्टार्ट पहले से लोग कर रहे हैं बहुत सारे लोग पहले से पैसे कमा रहे हैं बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं बहुत सारे लोग अनसक्सेसफुल हैं बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल का कोई रेशो है परसेंटेज बता सकते हैं उसकी वजह ये है हाँ बिल्कुल अगर सौ बंदा गया है तो उनमें से कितने लोग कंसिस्टेंट जो लोग हैं ना वो जो कंसिस्टेंट रहता है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में कम है लेकिन मैंने ये देखता हूँ कि अगर सौ लोग अगर आते हैं तो तकरीबन सेवेंटी सेवनटी फाइव परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं मतलब सेल पर शुरू कर देते हैं कुछ ना कुछ कमाना शुरू कर देते हैं ठीक है आए अमेज़न पे एक चीज़ बेचने थे दूसरी चीज़ बेचना शुरू कर देते हैं सर्विसेज बेचना शुरू कर देते हैं अब दूसरी बात इसमें यह कि ज़रूरी नहीं कि अपना काम करें आप इसको सीखें और इसकी जो सर्विसेज है वो ऑनलाइन गोरों को बेचें पाकिस्तानियों को कहें कि जी मैं आपका बिजनेस अमेजॉन पर ले चलता हूँ तो बहुत सारे लोग ये हंट कर रहे होते हैं ऐसे लोग जो हमारे लिए काम करें वो भी आखिर में ये भी बता दीजिएगा ब्रैकले लर्निंग जो आपकी कंपनी है वो कितने शहरों में ट्रेनिंग दे रही है जी हमारी कंपनी में जो जितने भी ऑनलाइन भी ट्रेनिंग इसकी अवेलेबल है तो उसके अलावा कैंपस हैं कराची में है लाहौर में मुल्तान में बुरे में अभी इस्लामाबाद में ओपन होगा दुबई में हमारा कैंपस है ठीक है तो वहाँ पर वो जा सकते हैं लेकिन हमारा पहला फोकस ये है आप तमाम लोग पहले फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लें दैट इज ई कॉमर्स बाय लर्निंग वो फ्री है हाँ वो फेसबुक ग्रुप तो फ्री है तो वहाँ पर, तो पर देखें जज करें कि कौन सक्सेसफुल है कौन फेल है कौन क्या क्वेश्चन पूछ रहा है किसका अकाउंट क्यों नहीं बन रहा किसका अकाउंट जल्दी क्यों बन गया क्वेश्चन आंसर देखें कमेंट्स देखें आपको आइडिया हो कि ये ये ब्लाक है सब्सक्रिप्शन है आपके ग्रुप में कितने लोग हैं तकरीबन डेढ़ लाख होगा वन सिक्सटी वन सिक्सटी थाउजेंड गुड गुड तो वो वहाँ पर आप भी जाएं देखें एनालाइज करें कि ये लोग कैसे काम करें नहीं हैं। नहीं मैं भी कोशिश करूँगा ज्वाइन करूँ और आप सबको भी ये बोलूँगा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है आ, पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं देखें एक आज मैं आपको आदमी और इंसान का फ़र्क बताता हूँ आदमी अपने लिए लुकमा निकालेगा उठाएगा और अपने मुँह में डालेगा इंसान लुकमा बनाएगा उठाएगा किसी और के मुँह में डालेगा ये आदमी और इंसान का फ़र्क है exactly. तो बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू so उस्मान साहब आपका विजन बहुत अच्छा है और बड़ा है और मैं आपको इस चीज़ में बेस्ट विशेज़ भी देता हूँ so और आप सबको बोलूँगा कि आप ये ब्रैकले लर्निंग का ग्रुप ज्वाइन करें और हम फेसबुक पे भी इनको लगाएंगे और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन पे भी लगाएंगे बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया सर और लगे रहें चुप के रखें मजल से खवा तीनों हजरात इस पॉडकास्ट का अख्तदाम यहीं करेंगे और उम्मीद है कि आज बहुत सारे लोग जो ई कॉमर्स की तरफ इंटरेस्टेड हैं और कुछ एजुकेशनल स्टफ़ सुनना चाहते हैं कुछ अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं कुछ uh, और मेरे पास तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ये चीज़ें ढूंढते हैं मेरे पास मुझे फारिक लोग ही देखते हैं <laughs> तो <laughs> उनके लिए आज की पॉडकास्ट है कि आप कुछ कुछ करने की अपॉर्चुनिटी मैंने दे दी है और उस्मान साहब ने क्रिएट किया तो इस पॉडकास्ट को यहीं ब्रेक लगाएंगे इस यकीन के साथ और इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्लाह